रूपक ताल एक प्रकार के ताल है, एक प्रकार का पैटर्न है, एक प्रकार के रिदम है। जब भी इस पैटर्न को 7 मात्राओं का पैटर्न बनाकर रूपक ताल के नियम के अनुसार प्ले किया जाएगा तो वो रूपक ताल कहलाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रूपक ताल में होती है 7 मात्रा यानी कि 7 बीट्स। अगर आप नहीं जानते हैं तो जब तक ये लेसन कंप्लीट होगा आप रूपक ताल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। किसी भी ताल को सीखने के लिए उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट एंड पार्ट नंबर 2 इस प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में हम बात करते हैं रूपक ताल की नॉलेज के बारे में, रूपक ताल के क्या बोल होते हैं, कितने भाग होते हैं, सम क्या होता है, कितनी मात्राएं होती हैं। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम बात करते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस पर सॉन्ग्स कैसे करने हैं, इस पर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे प्ले करने हैं। सो अब से ये लेसन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे रूपक ताल की थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में, एंड पार्ट नंबर 2 उसमें हम बात करेंगे रूपक ताल की प्रैक्टिस के बारे में, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस पर सॉन्ग्स कैसे गाना है वगैरह वगैरह। सो पार्ट नंबर 1, रूपक ताल एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर 7 मात्राओं का यानी कि 7 बीट्स का, मात्रा और बीट्स एक ही चीज़ होती है जैसा कि आप जानते हैं। 7 मात्राओं का जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को जब भी प्ले किया जाएगा 7 बीट्स लूप में लगातार अलग अलग प्ले की जाएंगी तो वो 7 बीट रिदम यानी कि रूपक ताल कहलाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है ये रूपक ताल का स्ट्रक्चर बन रहा है, 7 मात्रा बन रही है और रूपक ताल के नियम जो है उसको फॉलो कर रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये रूपक ताल है। अब जो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो हम गिनती बोल रहे हैं जिसको एक रिदम में एक लय में बोल रहे हैं, रिदम जो है यानी कि जो ताल है वो रूपक ताल है और जो लय है वो एक बंधी हुई लय है, उस लय पर हम इसको बोल रहे हैं, सो ये रूपक ताल कहलाई। इसी तरह से जो इसकी जो गिनतियाँ हैं, जो मात्राएं हैं, जो बीट्स हैं वो हैं 7, 1 यानी कि 1 गिनती 1 मात्रा, 2 यानी कि दूसरी गिनती दूसरी मात्रा, 3 यानी कि तीसरी गिनती तीसरी मात्रा, 4 5 6 7 ये 7 गिनती 7 मात्रा हो गई। अब इसी की हम स्पीड घटा सकते हैं यानी कि लय यानी कि चाल घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो इसकी लय है, इस ताल की जो लय है, जो स्पीड है, जो टेम्पो है वो हमने बढ़ा दी। अब इसी को हम घटा भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हुई, इसकी हमने लय टेम्पो चाल स्पीड घटा दी। तो इस तरह से ये रिदम काम करती है, ये लय ये चाल ये टेम्पो ये स्पीड काम करती है। अब इसमें जो होता है जो सबसे फर्स्ट बीट होती है, सबसे पहली मात्रा होती है 1, उसे हम सम कहते हैं। सो अब जो इसके बोल हैं वो बोल हैं तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, ये बोल हैं, ये तबले पर जो प्ले किए जाते हैं, तबले पर प्ले किए जाने वाले ये बोल हैं। इन बोल को जो एक रूपक ताल का जो पैटर्न है, जो छंद है, उस छंद के अनुसार प्ले किया जाता है। जो फर्स्ट बीट है 1 2 3 4 5 6 7, जो 1 है तो वहाँ पर 3, फिर जो 2 है वहाँ पर 3, फिर जो 3 है वहाँ पर ना, फिर जो 4 है वहाँ पर धिन, फिर जो 5 है वहाँ पर ना, फिर जो 6 है वहाँ पर धिन, फिर जो 7 है वहाँ पर ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तिन तिन ना धिन ना धिन ना। सो ये एक छंद के अनुसार, रूपक ताल का जो छंद है उसके अनुसार इस बोल को तबले पर प्ले किए जाते हैं, लय को फिक्स करके, जो लय में जिस लय में भी उनको प्ले करना है, तो ये रूपक ताल कहलाई। अब इसमें जो सम होता है वो आप जानते ही हैं कि जो पहली बोल जो पहली मात्रा होती है उसे हम सम कहते हैं। अब इसके जो पार्ट होते हैं, जो डिवीजन होते हैं, जो भाग होते हैं वो हैं 3 भाग। पहले भाग जो है वो है ये 3 बीट 1 2 3, फिर जो दूसरा भाग है वो है 4 5, फिर जो तीसरा भाग है वो है 6 7। फर्स्ट भाग में जो बोल आएंगे वो आएंगे तिन तिन ना, एंड सेकेंड भाग में जो बोल आएंगे धिन ना, एंड जो थर्ड भाग में बोल आएंगे वो आएंगे धिन ना। इसे इंग्लिश में 7 बीट रिदम कहते हैं, हिंदी में रूपक ताल एंड इंग्लिश में कहते हैं 7 बीट रिदम। ये 7 बीट रिदम 3 भागों में डिवाइड हो गए। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना लिया जाए। अब अगर इसको डिवाइड ना करें, सीधे सीधा बोल दें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा जो इंटरेस्ट म्यूजिक में होना चाहिए। अब इंटरेस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 इस डिवीजन की वजह से। अब इसमें होती है ताली खाली, मतलब जिस बीट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है उस पर ताली पड़ती है और जिस बीट पर कम जोर दिया जाता है उस पर खाली पड़ती है। ज़्यादातर जो तालें होती हैं सारी तालों पर फर्स्ट मात्रा पर यानी कि सम पर
ताली होती है, पर रूपक ताल एक वाहिद ऐसी ताल है जिस पर पहली मात्रा पर इंद्र के सम पर ताली नहीं होती है, बल्कि चौथी मात्रा पर ताली होती है और छठी मात्रा पर ताली होती है। इस तरह से खाली 1 2 3, 1 पर खाली, 2 3, फिर 4 पर ताली, 4 5, फिर 6 पर ताली, 6 7। इसको जब आप हाथ पर प्रैक्टिस करेंगे तब ताली और खाली को और अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम एक बीट प्ले करेंगे और उस बीट को देखेंगे, समझेंगे, उस बीट के अनुसार सारी चीजें जो थ्योरी हैं प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे। सो ये रही बीट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इस बीट को देखिए, जहां पर मैंने 1 बोला वो था सम, और जहां पर मैंने 4 बोला उस बीट पर ताली रहेगी, और जहां पर मैंने 6 बोला उस बीट पर ताली रहेगी, और जो इसकी फर्स्ट बीट है उस पर खाली रहेगी। जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि ज़्यादातर जो ताले होती हैं उसमें फर्स्ट बीट पर ताली होती है, पर रूपक ताल एक अपवाद है कि इसमें पहली मात्रा पर खाली है। अब आप इस जो पोर्शन को, जिस पोर्शन में मैंने बीट पर गिनती गिनी, उस पोर्शन को आप 2-3 बार रिपीट करके देखिए, और ये जो रूपक ताल है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए और इस रूपक ताल को डाउनलोड कर लीजिए और इस रूपक ताल को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए, इसको एनालाइज करिए कि हाँ कौन सी फर्स्ट बीट है, कौन सी सेवन्थ बीट है, कौन सी सिक्स बीट है। उस पर आप बीट पर गिनती गिनने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से मैंने बीट पर गिनती गिनी उस पर आप गिनती गिनने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जो फर्स्ट से थर्ड तक जो बीट थी वो एक भाग हो गया, और जो 4 5 एक भाग, और जो 6 7 वो एक भाग। सो ये पूरी रिदम, पूरी ताल 3 पार्ट में डिवाइड है, और जो 1 से लेकर 7 तक जो गिनती गिनी वो एक ताल एक रिदम बनी। उसके बाद 1 से लेकर 7 तक लूप में मैं गिनती गिनते जा रहा हूँ, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जब ये रिदम पूरी चलेगी तो शुरुआत से आखिर तक आप 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक गिनती पाएंगे, बीट्स पाएंगे, और बीच बीच में कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर वो वेरिएशंस हैं, उनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बीट है इसके जो बोल हैं वो हम देखते हैं, जो फर्स्ट मात्रा पर, जो फर्स्ट बीट पर जो बोल रहेंगे वो बोल रहेंगे तिन, फिर सेकेंड पर तिन, फिर थर्ड पर ना, तिन तिन ना, फिर जो फोर्थ बीट रहेगी उस पर रहेगा धिन, एंड फिफ्थ जो बीट रहेगी उस पर रहेगा ना, एंड जो फिर सिक्स्थ बीट रहेगी उस पर रहेगा धिन, एंड जो सेवन्थ बीट रहेगी उस पर रहेगा ना, तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना। आई होप अब आप इसको समझ सके होंगे। पार्ट नंबर 2, प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम बात करेंगे इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। आपने इसकी इंफॉर्मेशन तो ले ली, आपने इसको समझ तो लिया, आपको ये अच्छे से दिमाग में बस तो गई, पर आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। बिना अमल में लाए इल्म नहीं रह सकता। 3 तरह के प्रैक्टिसेस मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस नंबर 1, इसमें क्या करना है आपको, हाथ प्रैक्टिस। हाथ पर आपको ये ताल प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है कि सबसे पहले आप गिनती बोलकर इस ताल को प्रैक्टिस करेंगे। तो जिस तरह से इस ताल में जो पहली मात्रा है उस पर खाली है, एंड फिर चौथी मात्रा और पांचवी मात्रा उस पर खाली है, आप इस ताल को, इस ताल का जो बोल है, इस ताल का जो गिनती है, इस ताल का जो भाग है, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आसानी हो। तो पहली जो मात्रा है उस पर रहेगी खाली, इस तरह से आपको खाली पेश करनी है, और जब आप ताली रखेंगे तो उस पर ताली इस तरह से आपको पेश करनी है। तो पहली मात्रा इस तरह से 1, फिर जो आप 2 3 बोलेंगे वो फिंगर्स पर बोलेंगे, 2 3, जो लिटिल फिंगर है यानी कि जो पिंकी फिंगर है उस पर आप बोलेंगे 2, एंड जो रिंग फिंगर है उस पर आप बोलेंगे 3। तो इस तरह से आप हाथ रखेंगे तो ये आपकी पहली मात्रा खाली हो जाएगी, 1 2 3, एंड जब ताली आएगी तो ताली आएगी, आप इस जो लेफ्ट हैंड है आपका, इस हाथ पर पहले आप ताली मारेंगे 4, फिर जो फिफ्थ बीट रहेगी यानी कि पांचवी जो मात्रा रहेगी उस पर आप अपनी फर्स्ट फिंगर, अपनी उस पर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से इस तरह से रखेंगे तो ये 5 कहलाएगी। फिर आपकी जो ताली आएगी यानी कि सिक्स बीट पर जो ताली आएगी उसको आप इस तरह से रखेंगे ताली, एंड फिर जो 7 बीट लास्ट की रिमेनिंग बची उस पर आप इस तरह से 7 बीट बोल देंगे। तो किस तरह से आप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी हाथ प्रैक्टिस यानी कि हैंड प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। अब इस पर आप कुछ दिन, जब ये जो इस पैटर्न का, इस छंद का, आप सबसे पहले गिनती में यानी कि जो डिजिट्स हैं उनमें प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इनके बोलों पर आ जाएंगे। जिस तरह से आपने गिनती को प्रैक्टिस किया एक बार, इसके पैटर्न को, छंद को समझ लिया आसानी से, उसके बाद आप बोल भी बोल सकते हैं, तिन
पिन ना दिन ना दिन ना पिन पिन ना दिन ना दिन ना। तो फर्स्ट प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, नाउ सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि अलंकार का रियाज, जब आप रियाज करते हैं सॉन्ग का, तो रियाज जो करते हैं उसमें जो अलंकार होते हैं उन अलंकारों की जगह पर आप रूपक ताल के अलंकार लीजिए और उन अलंकारों का रियाज करिए और रूपक ताल प्ले कर लीजिए, उस पर रियाज करिए। अगर आपने एक बार रूपक ताल के जो भाग है, जो मात्रा है, जो डिवीजन है, जो सम है, जो बोल है, जो उसकी मात्रा है, गिनती है, वो आपने समझ लिया, तो उस पर आपको रियाज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले शुरुआत में आप लो टेम्पो में धीरे धीरे एक एक बार प्रैक्टिस करिए, आसान जो अलंकार लें उसका प्रैक्टिस करिए। आपको अलंकार कहाँ से मिलेंगे रूपक ताल, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए रूपक ताल के अलंकार, तो आपको ढेर सारे अलंकार मिल जाएंगे रूपक ताल में। आपको वो सिखाएंगे भी कि किस तरह से इन अलंकारों का रूपक ताल पर रियाज करना है, तो वहाँ पर आप रियाज कर सकते हैं। ये हुई आपकी प्रैक्टिस नंबर 2। नाउ प्रैक्टिस नंबर 3, वो इस तरह से है कि आप सॉन्ग्स गाएं। आप सॉन्ग्स के जो कराओके ट्रैक्स होते हैं, जो म्यूजिक होते हैं, उसको डाउनलोड करें, इसको कहीं से भी ले लें, उस पर आप प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट हुई तीनों प्रैक्टिसेस। कराओके ट्रैक्स के लिए आप जो सॉन्ग चूज करेंगे वो सॉन्ग रूपक ताल में होना चाहिए। तो सॉन्ग नंबर 1 चुपके चुपके एंड सॉन्ग नंबर 2 आपकी नजरों ने एंड सॉन्ग नंबर 3 अभी मुझ में कहीं। तो ये 3 सॉन्ग आप ले सकते हैं और इन पर आप इनके कराओके ट्रैक्स पर आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। सो कंप्लीट हुई आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय।